हेलो एवरीवन, एक इम्पॉर्टेंट फंगस लेक्चर की ओर हम लोग चलने की कोशिश करेंगे आज, और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखेंगे फंगस के बारे में, और उसके एक स्पेसिफिक क्लास के बारे में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। अगर आप फंगस को क्लासेस वाइज डिवीजन देखेंगे, एक सिंपल क्लासिफिकेशन अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो फंगस को मुख्यतः चार क्लासेस में डिवाइड किया जा सकते हैं। कितने कहें? चार क्लासेस में। आपको मैं बताऊं तो फंगस को टोटल चार क्लासेस में डिवाइड किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहला क्लास जो प्रिमिटिव क्लास कहला रहा है फंगस को। फंगस जो है प्रिमिटिव क्लास की बात करें तो पुराना है, उनको हम लोग बोलते हैं फाइकोमाइसिटीज। तो चार क्लासेस में एक आपका क्लास हुआ फाइकोमाइसिटीज। सेकंड अगर आप देखेंगे तो सेकंड क्लास कहा जाता है एस्कोमाइसिटीज। थर्ड क्लास अगर आप देखेंगे तो वह कहलाता है बेसिडियोमाइसिटीज। और एक लास्ट क्लास तो बताऊं तो वह होता है ड्यूटरोमाइसिटीज। तो फंगस को आप टोटल मुख्यतः मेन क्लासेस चार क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं, और ये चार क्लासेस डिवीजन का जो बेसिस है वह है इनमें होने वाले इनकी बॉडी के स्ट्रक्चर, मतलब फंगस की बॉडी को हम माइसीलिया कहते हैं, है ना। अभी बताता हूं थोड़ी देर में। तो इन पूरे क्लासेस में डिवीजन करने का सबसे पहला जो बेसिस रह गया वह हो गया इनके स्ट्रक्चर में के अकॉर्डिंग, और फंगस के मेन बॉडी को हम क्या कहते हैं? माइसीलिया। ठीक, तो फंगस की जो मेन बॉडी है ना उसको हम माइसीलियम के नाम से जानते हैं। ठीक, तो उनका जो माइसीलियम कैसा है इनके अकॉर्डिंग के बेसिस पे ये चार क्लासेस का डिवीजन हुआ है। दूसरा ये हुआ कि इनमें होने वाले सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का जो मेथड है वह सब अलग-अलग है। तो इसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम थोड़ा डील करने की कोशिश करेंगे एक इंपॉर्टेंट क्लास में, जिसमें मुख्यतः मेन फंगस आते हैं। मोस्टली जो कॉमन आपके सिलेबस पे है वह एस्कोमाइसिटीज ग्रुप पे रहेंगे। तो हम देखने की कोशिश करेंगे इसके साथ साथ हम लोग एस्कोमाइसिटीज क्लास में जो माइसिलिया में स्पेशल फीचर्स क्या क्या होते हैं इसको भी थोड़ा सा रिवाइज करते हुए चलेंगे। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि एस्कोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है ये भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। अगर आप फंगस में का बॉडी को देखेंगे तो कुछ इस तरह से देखने को आपको मिलेगा, है ना। तो फंगस की बॉडी में आप देख सकते हैं कि हम लोग रूट, स्टेम, लीफ ऐसा करके कोई डिवीजन नहीं हो पा रहा है इसमें। इसको देख करके हम लोगों को क्या फायदा, क्या मिल पा रहा है? अगर मैं इसको बीच पे लाऊं इसमें आपको ना बता पा रहे हैं कि इसमें अगर आप देखने की कोशिश करें इसमें रूट, स्टेम, लीफ ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, ये ग्रीन भी नहीं है, इसका मतलब इसमें क्लोरोफिल भी प्रेजेंट नहीं है। अगर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को रूट, स्टेम, लीफ इस सब में डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं तो इस बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं? थैलस बॉडी। क्या कहते हैं? थैलस बॉडी। तो फंगस की बॉडी कैसे हुई? थैलस। थैलस लाइक अपियरेंस फंगस की बॉडी होती है। तो फंगस की पूरी बॉडी को हम लोग, मतलब इसमें थैलस स्ट्रक्चर प्रेजेंट है और इस बॉडी को हम लोग क्या कहेंगे? माइसीलिया। तो फंगस की बॉडी को क्या कहें? बॉडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड माइसीलिया। फंगस की बॉडी को हम लोगों ने कह दिया माइसीलियम। अब आप देख सकते हैं अगर फंगस की बॉडी को ध्यान से और थोड़ा सा अंदर देखने की कोशिश करें तो ये फंगस की बॉडी में आप लोगों को ऐसा फिलामेंट्स लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। फिलामेंट से मिलकर बना हुआ है ना। इस एक फिलामेंट को हम लोग क्या कहेंगे? हाइफा। क्या कहेंगे? हाइफा। इस फिलामेंट, एक फिलामेंट पकड़े, इस फिलामेंट को हम लोग क्या कर दिया? हाइफा। बहुत सारे हो तो इसको हम लोगों ने हाइफी के नाम से जान लिया। ठीक है, तो फंगस की बॉडी जो है, एक को आपने हाइफा बोला, प्लूरल में आपने हाइफी लिख दिया, लिख देता हूं यहां पे। तो फंगस
का जो मेन बॉडी है वह थैलस लाइक है, और पूरे बॉडी को हम माइसीलियम कह रहे हैं, है ना। और वो माइसीलिया जो है वो फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ है। इस फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर को अगर एक फिलामेंट बोलेंगे तो उनको हम हाइफा के नाम से जान रहे हैं। अगर आप पूरे फिलामेंट को प्लूरल के फॉर्म पे देखोगे, बहुवचन के फॉर्म पे, तो यह हाइफे कहलाता है। ठीक, तो ये आप फंगस के जनरल बॉडी स्ट्रक्चर की बात कहें। तो अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगस देखने की कोशिश करेंगे तो आप मुख्यतः, और या फिर आप एस्कोमाइसिटीज में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे तो तीन स्टेप्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। किस पे? एस्कोमाइसिटीज में। अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एस्कोमाइसिटीज देखने की कोशिश करेंगे, ये सब फंगस के लिए भी कॉमन होगा। ये फंगस के लिए भी कॉमन है। ठीक, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फंगस हो या एस्कोमाइसिटीज हो, यह तीन स्टेप्स में कंप्लीट होंगे। ठीक, और ये तीन स्टेप्स जो है, सबसे पहला कहलाएगा प्लाज्मोगैमी। ठीक, प्लाज्मोगैमी बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है इसका, कि होगा ये कि आपको ये बात तो पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो सेक्स ऑर्गन्स एक दूसरे से फ्यूज होने की कोशिश करते हैं और ये मिक्स होकर के आगे जनरेशंस को बनाने की कोशिश करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर आप एस्कोमाइसिटीज में देखेंगे तो सबसे पहला तीन स्टेप्स में डिवाइड हुआ। सबसे पहला स्टेप्स प्लाज्मोगैमी कहलाता है। ये फर्स्ट स्टेज है कि प्लाज्मोगैमी का। आपको ये बात भी पता है कि जब भी सेक्स ऑर्गन्स मिलेंगे, सेक्स ऑर्गन्स गैमेट्स जितने भी हैं, इनका प्लॉइडी लेवल देखेंगे तो वो सभी हैप्लॉइड होते हैं। ये पता होगा आपको, गैमेट्स हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स हैं। वो जो दो गैमेट्स अलग अलग सेक्स ऑर्गन्स से आ रहे हैं, वो सेक्स ऑर्गन्स के जो गैमेट्स हैं वो दोनों ही हैप्लॉइड है, और ये दोनों ही हैप्लॉइड न्यूक्लियस एक दूसरे से पहले फ्यूज नहीं होंगे। इस चीज को ध्यान पर रखे रहना, एक कॉन्सेप्ट आप ध्यान पर रख रहे, प्लाज्मोगैमी में न्यूक्लियस जो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है यह फ्यूज नहीं होते। ठीक, बल्कि इनके दो अलग अलग सेक्स सेल्स फ्यूज हो जाते हैं। क्या बोला? ध्यान से सुनना, प्लाज्मोगैमी में जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस है वह कभी भी फ्यूज नहीं होंगे, बल्कि दो सेल फ्यूज हो जाएंगे। इससे होगा ये कि हम लोगों के पास एक ऐसा सेल मिलेगा जिसमें दो न्यूक्लियस इस तरह से प्रेजेंट रहेंगे, एक ऐसा सेल जिसमें दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है और दोनों ही हैप्लॉइड है। एन प्लस एन की बात कर रहा हूं, एक सेल में बस फ्यूजन नहीं हुआ है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कह रहे हैं? प्लाज्मोगैमी। क्या हुआ? दो सेक्स सेल्स एक दूसरे से फ्यूज हुए लेकिन इनके न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुए। इस स्टेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो फंगस में हो रहा है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं? प्लाज्मोगैमी। अभी मैं आपको बताता हूं डायग्राम से भी आपको और अच्छा समझ में आएगा। सेकेंड में अगर देखूं तो सेकेंड स्टेप कहलाता है कैरियोगैमी। देखो, जहां कहीं भी कैरियो शब्द आया आप समझ जाना कि यह सीधा से सीधा इसका संबंध न्यूक्लियस से है। पहले क्या हुआ था कि सेल्स फ्यूज हुए लेकिन न्यूक्लियस नहीं। ठीक, कैरियोगैमी के स्टेज में ये क्या कहला गया? ये प्रोसेस प्लाज्मोगैमी कहा गया। लेकिन कैरियोगैमी के स्टेज में ये दोनों ही न्यूक्लियस एक दूसरे से फ्यूज हो जाएंगे। एक दूसरे से फ्यूज होकर के ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस, ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस, तो एक सेल में आपके पास डिप्लॉइड न्यूक्लियस आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब देखो नाम कैसे कैसे हम दोनों चीज का, एक सेल जिसमें दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है इनको हम लोग कहेंगे डाइकैरियन स्टेज।
और एक सेल जब दो न्यूक्लियस फ्यूज हो गए और उसने डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनाया, इसको हम कहते हैं सिनकैरियन स्टेज। ठीक, सेल्स फ्यूज हुए, न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुए, इस कारण से n प्लस n कंडीशन हम लोगों के पास बस हुई, है ना। इस स्टेज को हम लोग डाइकैरियन स्टेज कहते हैं। सेकेंड अगर आप कहेंगे तो जिसमें न्यूक्लियस फ्यूज हो गया है, इस प्रोसेस को हम कैरियोगैमी कहते हैं। और ये जो कैरियोगैमी है, जो न्यूक्लियस फ्यूज होने के बाद बन गया, वह डाइकैरियन से सिनकैरियन की तरफ आ जाएगा। जो थर्ड स्टेज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगस या फिर एस्कोमाइसिटीज में देखेंगे आप, वो है मियोसिस का। और आपको तो ये बात पता है, जब भी डिप्लॉयड न्यूक्लियस मियोसिस अंडरगो करता है तब वह हैप्लॉयड, क्या, हैप्लॉयड स्ट्रक्चर्स का निर्माण करता है। ठीक, ये हैप्लॉयड स्ट्रक्चर फिर जर्मिनेट होकर के नया माइसेलिया बना देते हैं। तो ये तीन स्टेप्स हैं जो मुख्य तौर पर एस्कोमाइसिटीज या पूरे फंगस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कॉमन होते हैं। इन्हीं प्रोसेसेस से यह चीजें कंप्लीट हो पाएगी, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप किसी में भी पढ़े, किसी में भी पढ़े। अब आप देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एस्कोमाइसिटीज में डायग्रामेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन लोग देखने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं, सबसे पहला हाइफा जो है वह फिलामेंटस स्ट्रक्चर है। ठीक, एस्कोमाइसिटीज ग्रुप में यह होता है कि एस्कोमाइसिटीज ग्रुप में यह होता है कि जो फिलामेंटस हाइफे है, इस फिलामेंटस हाइफे में वॉल्स का फॉर्मेशन देखने को मिलता है इस तरह से। ठीक, ऐसा हाइफे जिसमें वॉल्स प्रेजेंट हो उनको हम सेप्टेट हाइफे कहेंगे। क्या कहेंगे? सेप्टेट हाइफे कहेंगे। लेकिन एस्कोमाइसिटीज ग्रुप में ये वॉल्स प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन ये वॉल्स पूरी तरह इस सेल्स के बीच में नहीं प्रेजेंट रहते, मतलब इनके बीच में हम लोगों के पास एक गैप या पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट देखने को मिलता है। किस केस में? पोर्स, इसमें एस्कोमाइसिटीज में पोर्स हम लोगों को देखने को मिलेगा। अब इस हाइफे में फंगस एक न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिज्म है, इनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इस कारण से हम इसको यूकैरियोट्स के केस में, यूकैरियोट्स के अंदर हम लोग डाल पाते हैं। ठीक, और इस हाइफे के अंदर फंगस के पास न्यूक्लियस होता है। अब ये न्यूक्लियस एक दूसरे से सेपरेट हो पाए हैं एक वॉल की वजह से या सेप्टा की वजह से। ठीक, ये क्या है? सेप्टा। और ये जो हाइफे में अगर सेप्टा प्रेजेंट है तो यह सेप्टेट हाइफे कहलाता है, अगर नहीं है तो एसेप्टेट हाइफे कहलाएगा। ठीक, ये वॉल्स अधूरे अधूरे हैं, पोर्स प्रेजेंट है इन सेल्स। अब देखो ये सेल्स अलग अलग सेल्स में डिवाइड हो गया वॉल की वजह से, और हर एक सेल के पास एक क्या है? एक न्यूक्लियस है। इस कारण से एस्कोमाइसिटीज ग्रुप में यूनि न्यूक्लिएट कंडीशन पाई जाती है। ठीक, तो यूनि न्यूक्लिएट सेप्टेट हाइफा कहां पाई जाती है? एक फीचर हम लोगों ने देखा, पोर। ये पोर ये बहुत बड़े बड़े मैंने दिखा दिए, उतने नहीं होते। एक पोर आपको सेप्टेट हाइफे में, आगे और बेसिडियोमाइसिटीज में मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा, तो बेसिडियोमाइसिटीज में भी यह पोर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको को देखने को मिलता है, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं बताऊंगा उस समय कि ये पोर और वो पोर डिफरेंस में क्या मेजरली डिफरेंस इन लोगों के बीच में क्या क्या है। तो सेप्टा आप लोगों के पास देखने को मिला, और ये पोर जो है केवल और केवल, ध्यान में रखने वाली
बात, ये केवल और केवल साइटोप्लाज्म को एक सेल से दूसरे सेल के तरफ पास होने देता है और न्यूक्लियस कभी भी पास नहीं होने देगा। मतलब एक सेल्स दूसरे सेल्स के न्यूक्लियस में पास नहीं होंगे, ठीक। एक सेल जो है वह दूसरे न्यूक्लियस में पास नहीं हो पाएंगे, ठीक। हाँ, तो न्यूक्लियस वाली कंडीशन आप लोगों के पास आपको देखने को मिल गए। तो इसी को साथ में लेते हुए अगर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एस्कोमाइसिटीज देखने की कोशिश करें तो जिस प्रोसेस से इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वह है सोमैटोगैमी। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक मेथड जिससे फंगस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करे वह है एक सोमैटोगैमी। ध्यान से समझेंगे सोमैटोगैमी क्या होता है और बाकी चीजें पूरी तरह आपको समझ में आ जाएगा। सोमैटोगैमी के केस में होता यह है कि दो अलग अलग हाइफे सेल्स एक दूसरे से फ्यूज हो जाते हैं। एक दूसरे के पास पास आएंगे दो माइसिलिया और एक दूसरे से फ्यूज हो जाएंगे, बल्कि इनमें कोई भी सेक्स ऑर्गन्स नहीं बनेंगे। दो बॉडीज आए एक दूसरे से फ्यूज हो गए, इस प्रोसेस को हम लोगों ने क्या कहा, सोमैटोगैमी। दो अलग अलग हाइफे आए और एक दूसरे से फ्यूज हो गए, दो माइसिलिया एक दूसरे के पास पास आकर के, ठीक। अब एस्कोमाइसिटीज के केस में हम लोगों को देखने को मिला सेप्टेट हाइफे इधर पे, तो दो आप लोगों के पास अलग अलग माइसिलिया आए, इन सब के पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इन सब के पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है, आप देख सकते हैं अलग अलग कलर बना रहे थे, है ना, न्यूक्लियस का। ये हाइफे फिलामेंट स्ट्रक्चर आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक। ये देखिए ये दोनों ही हाइफे एक दूसरे के पास आए और एक दूसरे से मिक्स हो गए या फ्यूज हो गए, ठीक। तो अब मैं इसको एक कंडीशन से बना सकता हूँ, अब इस फ्यूजन को भी दिखा देते हैं। चलो ये दूसरे एक दूसरे से फ्यूज हो गए, फ्यूज होने के बाद क्या होगा कि इसका एक न्यूक्लियस इस कंडीशन पे या हाइफे पहुंच जाएगा। ये कंडीशन जो रहेगी वह हाइफे का कुछ इस तरह से रहेगी। देखो ये दोनों सेल फ्यूज हो गए, फ्यूज होने के बाद हमारे पास क्या क्या कंडीशन देखने को मिली, इसको यहां से अलग कर देते हैं, ठीक। मान के चलिए ये सब न्यूक्लियस है, इसका एक न्यूक्लियस और एक ग्रीन कलर वाला न्यूक्लियस एक दूसरे से इस कंडीशन में रह गए। हुआ क्या कि दो सेल्स एक दूसरे से फ्यूज हो गए, फ्यूज होने के बाद लेकिन इनके न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुए, इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे थे अभी, प्लाज्मोगैमी। इस स्टेज को क्या कहेंगे हम, इस स्टेज को हम लोग कहेंगे, इस सेल को हम लोग कहेंगे डाइकैरियन स्टेज, डाइकैरियन सेल, ठीक। इनके सेल्स फ्यूज हुए लेकिन न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुए, n प्लस n की कंडीशन यहां पे अगेन, ठीक। ये बात आप लोगों को ध्यान पे रखना पड़ेगा। अब होगा ये कि यह जो डाइकैरियन स्टेज है, यह डाइकैरियन स्टेज वाला जो सेल है एक आउटग्रोथ बनाएगा, एस्कोमाइसिटीज के केस में एक आउटग्रोथ बनाएगा, मैं कॉमन बता रहा हूं आप लोगों को ना, इस तरह से एक आउटग्रोथ बनाएगा जिसमें एक आउटग्रोथ बनाया इसने, इस आउटग्रोथ को हम लोग कहेंगे एस्कस, इस आउटग्रोथ को हम लोग क्या कहेंगे, एस्कस। तो डाइकैरियन स्टेज
में हम लोगों के पास इसने एक आउटग्रोथ बनाया, इनको हम लोगों ने क्या कह दिया, एस्कस। तो एस्कस, एस्कस के फॉर्मेशन होने के बाद ये दोनों ही डाइकैरियन जो न्यूक्लियस है, जो दोनों न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुए, ये फ्यूज होकर के इस एस्कस में चले जाएंगे। ठीक, ये फ्यूज होकर के एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बना देंगे। अब मैं केवल एस्कस को फोकस कर लेता हूं। अब ये जो स्ट्रक्चर है, यह कैसा स्ट्रक्चर है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। अब ये जो स्ट्रक्चर है यह डिप्लॉइड स्ट्रक्चर कहलाएगा। बाकी कंडीशन वैसा ही, क्या हुआ, डाइकैरियोट है ना, एक आउटग्रोथ, हाइफा ने एक ऐसा आउटग्रोथ बनाया। ठीक, आउटग्रोथ बनाने के बाद ये दोनों ही डाइकैरियोट न्यूक्लियस जो है ये इसके अंदर घुस गए। उसके बाद उन्होंने फ्यूज हो गए ये न्यूक्लियस। इस प्रोसेस को हम लोगों ने क्या कह दिया, कैरियोगैमी। ठीक, नेक्स्ट स्टेप आप सभी को पता है कि इस न्यूक्लियस में मियोसिस का प्रोसेस होगा। इस न्यूक्लियस में मियोसिस का प्रोसेस होगा और हम लोगों को इस न्यूक्लियस में मियोसिस का प्रोसेस होगा और दो, एक सेल में हम लोगों को दो हैप्लॉइड सेल्स, अगर दो मियोसिस हुआ, दो मियोसिस कंडीशन हुआ, दो मियोसिस हुआ इसके बाद, ठीक, तो ये दोनों ही मिलकर के हैप्लॉइड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इनको हम कहेंगे एस्कोस्पोर्स। तो एस्कोस्पोर्स जो हैं वह कुछ नहीं हुआ, कैरियोगैमी के बाद मियोसिस हुआ तो हम लोगों के पास हैप्लॉइड स्ट्रक्चर देखने को मिला। अब ये आगे जर्मिनेट होने वाले, तो जर्मिनेट वाले स्ट्रक्चर को हम लोग स्पोर्स कहते हैं। ठीक, ये एस्कस में, इस कारण से इसको अपन लोगों ने क्या कह दिया, एस्कोस्पोर्स। एस्कोस्पोर्स के बाद अगर आप कहें तो इसके आजू बाजू वाला जो हाइफा है यह एक कवरिंग इस एस्कस में बना देता है, एक कवरिंग इस एस्कस में बना देगा। इससे होगा ये देखो, ये केवल एक ही सेल में आप लोगों को मैंने आपको बताया, एक ही सेल में बताया है आपको, एक सेकेंड, आप खुद ही सोचिए कि ये पूरा इस हाइफे से ऐसा कवर अप हो गया। इस हाइफे से कवर अप होने के बाद है ना, इस हाइफे के बाद कवर होने के बाद हर एक ऐसे कई बनाएंगे एस्कस। ये मैंने जो राउंड राउंड बनाई एस्कस, और इसमें एस्को स्पोर्स आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। ये एक कंडीशन हो सकता है, अलग अलग कंडीशन हो पाएंगे। ठीक, इस आउटग्रोथ ने क्या किया, एक पूरा ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया। अब देखो ये स्ट्रक्चर ऐसा जो दिख रहा है, ये अलग अलग एस्कोमाइसिटीज में जो अलग अलग फंगस है यह अलग अलग प्रकार का रहेगा। ये राउंड स्ट्रक्चर बना दिया इस तरह से है ना, उसका एक एक फंगस का नाम जैसे एस्परजिलस है, उसमें इस तरह से स्ट्रक्चर देखने को मिले। कभी ये जो कवरिंग है ये फ्लास्क शेप टाइप का हो गया है ना, कभी ये कवरिंग जो है वो डिस्क टाइप का हो गया, लेकिन उसके अंदर हमारे पास एस्कस है और उस एस्कस में एस्कोस्पोर्स है। ठीक, अब ये जो एस्कोस्पोर्स है यह ये फूटेगा है ना, ये फूटेगा, फिर एस्कस से एस्कोस्पोर्स बाहर निकलेंगे और यह एस्कोस्पोर्स अगेन एक माइसीलिया बना देगा। तो इस ग्रुप का नाम एस्कोमाइसिटीज इसलिए कह दिया गया। ठीक, इस ग्रुप का नाम इसलिए एस्कोमाइसिटीज कह दिया गया क्योंकि यहां पे हम लोगों के पास एस्कोस्पोर्स का निर्माण हो रहा है। देखो इस पूरे स्ट्रक्चर को जब एस्कोस्पोर बन गया, एस्कोस्पोर बनने के बाद ये जो हाइफे है ये पूरा उस एस्कस को घेर करके रखा हुआ है, इसको हम कहते हैं एस्कोकार्प या फिर फ्रूटिंग बॉडी, एस्कोकार्प या फिर फ्रूटिंग बॉडी। ठीक, तो बहुत सारे प्रकार के फ्रूटिंग बॉडी हम लोगों को देखने को मिलते हैं एस्कोमाइसिटीज ग्रुप में
है ना, उसको हम लोग आगे आगे एक एक ऑर्गेनिज्म को डील करते जाएंगे, एक एक फंगस को डील करते जाएंगे, तो आपको पता चलता जाएगा। आगे मैं बताऊंगा आपको, जैसे कि मैं एस्परजिलस डील करूंगा तब, है ना। तो एक सिंपल सा फंडा आपको ध्यान पर रखना है, प्लाज्मोगैमी, फिर कैरियोगैमी, फिर मियोसिस का प्रोसेस, फॉर्मेशन ऑफ एस्कोस्पोर्स, और फंगल हाइफे जो इर्द गिर्द एस्कस के है वह एक कवरिंग बना देगा एस्कस के ऊपर, इनको हम फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं, और यह कवरिंग कहलाएगा एस्कोकार्प या फिर फ्रूटिंग बॉडी। तो एस्कोमाइसिटीज ग्रुप में तो अपने सोमैटोगैमी का भी जो सेक्शन है वो भी कंप्लीट किया, प्लस तीन स्टेप्स जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट होते हैं वो भी आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो क्लास एस्कोमाइसिटीज में जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है उसमें आपको ध्यान रखना है एस्कस और एस्को स्पोर्स। ठीक, चलिए, थैंक यू।